हेलो पिला माने आशीष इन एजुकेशन यूट्यूब चैनल ले तुम मानको स्वागत। तो पिला माने तुम माने थंबनेल देखि जानि सकथिबो आज हम केम टॉपिक रे पढिबा को जाउछंती ना हमर क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग हमर एससीसी 2 कोर्स जहा कि तुम मानको प्लस 3 रो पिला माने फोर्थ सेमेस्टर। तो मु तुम मानको पूर्व वीडियो रे हमर सिलेबस मध्य कहि जाइथिलि तापर मु तुम मानको कोन कहिथिलि ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनिट 2 टी स्टार्ट करिबा जेहेतु हमर कोन ना प्रति कॉलेज रे बा प्राय कॉलेज रे हमर यूनिट 2 टी इंटरनल एग्जाम रे आसी थाय। तो सेति में हम स्टार्ट करिछंती यूनिट 2 यूनिट 2 सोला पर हम यूनिट 1 को जीवा। ओके सो यूनिट 2 रो पिला माने हम कोन पढिथिले ना बेसिक कांसेप्ट्स डिफरेंट फार्मूला ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज ऊपर हम जहां किछ भी डिस्कशन करथिले मु ता रिलेटेड तो मानको प्रॉब्लम्स मध्य करैथिले बहुत सारा। जदि तुम माने से वीडियो देखिनाओ तले हमर एससीसी 2 रो गोटे प्लेलिस्ट अछि से प्लेलिस्ट को चली जीवो से प्लेलिस्ट तुम माने देखि पालिबो ता सहित तुम मानको इंटरनल पई हमर कोन ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब पई तुम मानको तार रिगार्डिंग तुम मानको पई तुम एग्जाम रिगार्डिंग सब किछ वीडियो सेठी अपलोड अछि तुम्हारा एग्जाम पैटर्न को नै कि सब किछ। ओके तो हम वन बाय वन क्लास करबा। आज हम पढिबा कोन ना प्रॉफिट एंड लॉस से यूनिट 2 रो आ गोटे पार्ट हमर प्रॉफिट एंड लॉस। तुम मानको पाखे ई बुक अछि तो भलो अदरवाइज तुम कॉलेज मे ई बुक मिलि जीवो तुम मानको हमर सैमसंग डर रे मिलुछि तुम मानको मध्ये मिलि जीवो। ओके सो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा। तो पे पूर्व तुम मैंने एजाए आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे क्लिक कर दियो जोद्वारा एमती सब समस्त क्लासेस तुम मानक मिल पार। ओके सो एग्जाम पूर्व तुम मैंने क्लासेस द्वारा तुम मैंने उपकृत हो पार। ओके पे सो देख प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा जो कि टर्म जाना आई फॉर्मूला जाना से फॉर्मूला को यूज करके आम आम आंसर करवा। ओके सो आज आम कौन पढ़ा ना प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस माने कौन ना लाभ आ क्षति जहाँ कि तुम मैंने क्लास 8, 9, 10 पढ़ी आसीच जस्ट आम रिभाइज करवा जहाँ भी टी अधिक थोड़ा जानवा। ओके सो आम से ओडिया पढ़ुते लाभ क्षति किंवा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आमर कौन ना लाभ क्षति पढ़ुते ये आम खाली जस्ट इंग्लीश पढ़ा देख से फास्ट कही गोटे टर्म तुम फास्ट तुम किसी टर्म जान लियो कॉस्ट प्राइस। ओके कॉस्ट प्राइस माने कौन ना नॉर्मली गोटे बेस प्राइस जिते तुमको पूर्व परसेंटेज पढ़ाई थी कही कि बेस प्राइस उपर आम परसेंटेज टी बाहर करा जाए से बेस प्राइस गुड़ा हूँ कॉस्ट प्राइस कौन ना क्रय मूल्य या सर्टकट में पाने सीपी बुझेगा। तुम सेकेंड टर्म गोटे अच्छी कौन ना सेलिंग प्राइस। ओके सेलिंग प्राइस या सर्टकट में कहुए एसपी बुझेगा सेलिंग प्राइस मान विक्रय मूल्य प्रॉफिट पी लॉस एल बुझीगला तुम आ गए थाए मार्क प्राइस एमआरपी यार किसी क्वेश्चन अच्छी से तुमको ये टर्म टी दिखाई मार्क प्राइस एमआरपी माने कौन ना तुम किसी गोटे एमआरपी दि जाइए सही एमआरपी रु तुम कौन कह किसी परसेंटेज डिस्काउंट थी तो डिस्काउंट कला जो प्राइस आसा तुम सेलिंग प्राइस हम बुझेगा ना। तो एमआरपी ऊपर आ सेलिंग प्राइस को नहीं मतलब किसी क्वेश्चन अच्छे से एमआरपी दे मार्क प्राइस। ओके तो आ गए तुम अच्छे टर्म डिस्काउंट। ओके तुमको कहली आ गए टर्म कौन ना डिस्काउंट। ओके तो ये टर्म को नहीं आम किसी फर्मूला जहाँ किसी अच्छे से फर्मूला गुड़िक जाना और आग को पढ़ा। ओके तो देख आम जो प्रॉफिट कौन केतल प्रॉफिट हम केतल लॉस हम बुझीगला जिते बड़े तुम ये दीटी प्राइस को लेकिन आम प्रॉफिट आउ लॉस बाहर करवा। ओके तो ये प्रॉफिट आउ लॉस टी आम बाहर करवा पाने जिते बड़े तुम सेलिंग प्राइस टा अधिक रही क्या कॉस्ट प्राइस ठारु से टाइम तुम प्रॉफिट हम कौन पाई जिते बड़े आम गोटे जिनसटे मन कर 10 टंकार किणिकी आनी जो 15 टंकार बिकबी ताकि मोर लाभ हम आदि मुझे 5 टंकार बिकबी तो लाभ हम कि लाभ हम ना। तो जिते बड़े आम लाभ बाहर कर अर्थात आमर सेलिंग प्राइस अधिक अच्छी जदि सेलिंग प्राइस अधिक थी कॉस्ट प्राइस कम थी ताहले आम लाभ बाहर करभ हो जाना से प्रॉफिट केमी पाइबा से प्रॉफिट सूत्र हमारे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एसपी माइनस सीपी बुझेगा केमी पाइब जानपार पी इज इक्वाल टू एसपी माइनस सीपी तापर क्षति केतबेळे हेबो जेतेबेळे कॉस्ट प्राइस तुम मान अधिक रही जदि मो घर मुझे जिनस किणी 10 टकर बिकली 5 टकर मोर 5 टा क्षति है से क्षति केमती पाइली ना जी मोर कॉस्ट प्राइस जेहतु ये कॉस्ट प्राइस अधिक कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी बा सेलिंग प्राइस बुझीपार क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य ये जो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट होती जानी
परसेंटेज पी केमती पाइबी मु देखो हमर परसेंटेज पी पाइबा कहले मु कोन करबी जति की प्रॉफिट हेथिबो एठी हमें पी पाइ गले जति की प्रॉफिट हेथिबो बाय बेस प्राइस माने कॉस्ट प्राइस पी बाय सीपी इनटू 100 बुझियला जानि पाललो सेमती हमर परसेंटेज एल बा परसेंटेज लॉस केमती बाहर दैबो तमे कहो एल बाय सीपी इनटू 100 बुझियला जति की तमरा परसेंटेज ए टाइप तम माने बाहर करि पारिबो बुझियला तापर मध्ये आउ किछि सूत्र तम मान पर देछि देखो एसपी रो सूत्र देछि 100 प्लस 3% बाय 100 इनटू सीपी एटा मते तम बाहर करि पारिबो निजे तापर तम मान पर डिस्काउंट ता केमती पाइबो देखो कि जो डिस्काउंट बा डी कहिछि डिस्काउंट रो फार्मूला होला कोन जति की एमआरपी देछिबो सही एमआरपी रो हमर डिस्काउंट कटि गला में कोडा पाउछन सेलिंग प्राइस पाउछन कि नै सति पय सेलिंग प्राइस को माइनस करले हमें डिस्काउंट पाई परिबा बुझियला तापर आउ कोन कोन देखि देखो डिस्काउंट रो परसेंटेज केमति पाई परिबो परसेंटेज डिस्काउंट ता हमर केमति पाइबो डिस्काउंट बाय एमआरपी एमआरपी ऊपर तमर डिस्काउंट ता पिला माने हेबो एही तमे एठ तमर बेस प्राइस ता के हेबो एमआरपी ता हेबो तमर बेस प्राइस बुझियला एमआरपी इनटू 100 ये तमर परसेंटेज डी परसेंटेज डिस्काउंट बुझेला आउ जो उडा को देछ त मन कर त मन खाली हमर मैथमेटिक कला को मन आपे आपे से सब जानि पारिबो ओके तापर देखो किछि एग्जांपल देछ त मन को किछि क्वेश्चंस देछ त को हमें सॉल्व करबा हमर प्रॉफिट आ लॉस को नेकी त माने इजीली सॉल्व कर पारिबो फिर मु त मन को पई किछि क्वेश्चन डिस्कशन कर दउ छी हमर प्रॉफिट आ लॉस को नेकी ओके सो देखो गोटे क्वेश्चन देछ त मन कर देखिवा क्वेश्चन दे दै छी ए पर्सन परचेस एन आर्टिकल फॉर आरएस 80 एंड सॉलिड सॉल्ड इट फॉर आरएस 120 तो से बतख ए पर्सन परचेस एन आर्टिकल किनी लागे तेरे पिला माने 80 रुपीस रे एवं ताकू बिक्री को लागे तेरे बिक्री कला 120 रुपीस रे तारे से कहि छी केते पर्सन प्रॉफिट ला फास्ट हमें बात कर दो आप पी केते हो हम देखो एसपी माइनस सीपी 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40 देन हमर परसेंटेज पी केते बाहरिबो परसेंटेज पी बाहरिबो केते ना 40 बाय हमर बेस प्राइस की 80 इनटू 100 देन हमर गोटे सुन कोटला 4 2 8 250 इज इक्वल टू 50% बुझियला तो प्रॉफिट हला तार केते ना हमर 50% बुझि पारले क्वेश्चन टी देन नेक्स्ट देखिबा हमें आ गोटे क्वेश्चन ओके फॉर्मूला को लिखी दे तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे बाय सेलिंग ए फैन फॉर आरएस 649 तो सेलिंग करा गला केते रे 649 रे बुझेला 649 रुपीस सेलिंग करा गला अनिल ऑन से प्रॉफिट ऑफ 8% तो हमरो प्रॉफिट रो परसेंटेज केते अछि हमरो 18% अछि से क्वेश्चन कहि छी हमकु सीपी बाहर करिया पाई तमे नॉर्मली तमे मान को हाई स्कूल लेवल रे जेमति करि जे सेमति करि पाइबो माने को सी रो सीपी रो वैल्यू नै कि एक्स मान को एक्स न ल तबर सही अनुसार मते तो माने एहा आंसर बाहर करि पारिबो बट ता सहित मते तमे मान को करि पाइबो ना बुक रे जो फॉर्मेट दै छी सही फॉर्मेट रे मते तमे माने आंसर करि पारिबो जे तमे माने एक्स फॉर्मेट नै कि कहू छ केमति करिबो देखो सीपी रो वैल्यू एक्स ता पर तमे मान को देखो सीपी जानि छ एसपी जानि छ प्रॉफिट हे छी माने पी केते हेबो पी हेबो 649 हमरो एसपी माइनस सीपी सो 649 माइनस सीपी केते एक्स केते की हेबो प्रॉफिट ताले परसेंटेज पर प्रॉफिट केते बाहरिबो प्रॉफिट बाय हमरो बेस प्राइस की बेस प्राइस होची एक्स तो एक्स इज इक्वल टू तो मान कर केते बाहरिबो इनटू 100 इनटू 100 इज इक्वल टू तमरो केते जति की बाहरि छी 18% बुझेला तो एति की तमन को आंसर हबो तो तापर तुम कोन कर परिबो 100 इनटू 649 माइनस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 18 देन 18 को एक्स मल्टीप्लाई कर दबो कोन हबो ये 18 एक्स से जीवो 18 एक्स इज इक्वल टू ये 100 एक्स ये हमर माइनस 100 एक्स से जीवो एपटे माइनस 100 एक्स प्लस 649 डबल 0 ओके तापर ए 100 एक्स को एपटे आन पकला तो मिसि गले हे जीवो 118 एक्स इज इक्वल टू 649 डबल 0 देन x इज इक्वल टू हमरो 649 डबल 0 एथि जे मछि एथि बाय 118 एथि तमरो आंसर बाहर करि देबो बुझियला एथि तमे आंसर पाइ जिवो ता सहित जे तुम माने बुक फॉर्मेट रे मजे करबा चाहिबो पिला माने देखो केमथि करिबो मु कहि दउ छी यदि बुक फॉर्मेट रे भी करबा को चाहौ छ एथि देखि देखो त
तुममानकर 649 देछि सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस ता हमर केमती पाइबो देखो 1 प्लस 18 बाय 100 हमर पी माने कोन 18 बाय 100 18% माने तुम माने जानछो जे 18 बाय 100 तर लाभ होउछि केते 18 बाय 100 तो जदी गोटे प्रोडक्ट रे से हमर 100 टंका रे किनिछि ताले बिक्री करिवो केते टंका रे 118 टंका 118 टंका रे बिक्री करले हि तारो केते लाभ होबो 18% लाभ होबो बुझि पाइलो हम कहिले तो जदि सीए 100 टंका रे किनि कि 118 रे बिक्री करले तारो 18% लाभ होबो तले से जदि एही प्रोडक्ट हमर 100 टंका रे किनुछि बोली केते होउछि हमर 118 होउछि जदि सीए ताको कोन करिवो 1 रुपीस रे किनिवो ताले केते होबो 118 बाय 100 तापर जदि रा 649 होला ताले केते होबो 649 * 100 हमर कोन हो ये वोल्टेज हो देखो हमर 649 पाइ से कहिछि आरएस 649 टा होछि हमर एसपी बुझियला येला सेलिंग प्राइस तो एति हमर जो एफ बाहरिबो केते ओ हमर 118 बाय 100 येला 118 बाय 100 तापर देखो तुम एतरे कंफ्यूज होबोनी तुम मानकर फास्ट जो प्रोसेस टी तुम माने इजीली जानि पालिलो तो तुम बुक रे जो प्रोसेस टी देछि देखो 1 प्लस 18 बाय 100 ऑफ सीपी ता माने कोन देखो एठी 118 बाय 100 बाहरला हमर कोन गोटे पई तापर तुम मानकर 649 होची कोन सेलिंग प्राइस एटा बुझियला एटा हमें कोन करछु ना सीपी करछु तो जते बेले तुमरो 118 रुपीस सेलिंग प्राइस रे हमर कॉस्ट प्राइस केते 100 वो देखो हमरो जेतु 100% लाभ ता माने 118 रुपीस जदि सेलिंग प्राइस हला 100 रुपीस ता हमरो कॉस्ट प्राइस 1 रुपीस जदि सेलिंग प्राइस हला तले हमरो केते हेबो हमरो जो कॉस्ट प्राइस ता 100 बाय 118 जेतु 1 हमरो सेलिंग प्राइस हले एतिकी हेबो तले 649 पई केते हेबो 649 पई केते हेबो हमरो एकिक धारा 649 * 100 बाय 108 ए समान के आसी गेला कि नै बुझियला तो ये भरे तुम्हें बुक वेयर मध्ये करि पारिबो अदरवाइज तुम मानर कोन निजे मध्ये एक्स लेस मध्ये तुम माने करि पारिबो ओके तापर देखिबा आउ कोन कोन क्वेश्चन प्रति तुम मानर से देखि सोमी सोल्ड हिज डाइनिंग टेबल सेट एट लॉस ऑफ 20% इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर आरएस 800 मोर ही वुड हैव रिसीव्ड अ प्रॉफिट ऑफ 5% फाइंड द कॉस्ट प्राइस ओके सो देखो से कहिछि समी सोल्ड हिज डाइनिंग टेबल सेट एट लॉस ऑफ 20% ई माने कर से हमर बिक्री करला x रुपीस रे हला ताले से हमर एसपी डा होछि केते ना x रुपीस हमर से सोल्ड करला तापर से कहिछि तार लॉस हला केते परसेंट लॉस हला ना 20% लॉस हला मोर तुमको x प्रमाण नै कहछु बुक रे आउटा अलगा प्रमाण दै छै तुम सही प्रमाण बुक प्रमाण मध्ये करि पारिबो ओके तापर देखो इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर आरएस 800 मोर जदि तारो एसपी डा हि थांता एक्स प्लस हमरो केते ना 800 हि थांता जदि ताहले तारो प्रॉफिट केते हि थांता ना प्रॉफिट हि थांता 5% मोर ओके सो एथि तमे क्वेश्चन देखो जते बेर तारो कोन होउछि ना कॉस्ट प्राइस ता 100 रहउछि सेही टाइम रे हमें एथि देखिबा 20% जे तारो लॉस होउछि 20% माने केते ना 20/100 अर्थात 100 रुपीस रे तारा 20% लॉस हो छि जदि से 100 रुपीस ता तारा कॉस्ट प्राइस हला ताहले तारा हमर सेलिंग प्राइस ता केते रहइबो ना 80 रुपीस रहइबो बुझियला तो जदि एथि सेलिंग प्राइस ता 80 रुपीस ता तमा बुक फॉर्मेट रो हमर क्वेश्चन तुम तुम दिरा बुझले एक्स प्रमाण नै कि तमा दि जार तुमको हमर समीकरण बा इक्वेशन टाइप करबा को पड़िबो ओके तो एथि तमा कोन करि पारिबो हमर एसपी हला एथि 80 हे गला एथि 100 एही केस रे कोन हो कोन एक से तबर 5% तबर प्रॉफिट है बो सही कैसे हमारा कॉस्ट प्राइस टा कितने को हो कॉस्ट प्राइस हमारा कौन ना 100 ताहले हमारा प्रॉफिट है ला पर कौन हो हमारा सेलिंग प्राइस टा 115 ही जीवो तो एक ही 115 हो चुका ना सेलिंग प्राइस अब एक ही हमारा सेलिंग प्राइस हो ची 80 तारे आंको भी जो डिफरेंस कितने आस्ती को हो हमारा 115 माइनस 80 इज इक्वल टू आस्ती को कितने 25 बुझिए रखने तो डिफरेंस टा जो 25 है वो ताहले कोन हो से कोइ छि डिफरेंस टा हमरो 800 एथि देछि केते 800 देछि कि नै तो एथि 25 पई हमरो डिफरेंस पई हम मानकर केते लॉस होछि से देखो फाइंड द कॉस्ट प्राइस टा केते 100 25 रुपीस हमरो कोन डिफरेंस पई हमरो 100 होछि 1 पई केते हेबो 100 बाय 25 ओके तब त मानकर 800 रुपीस पई केते हेबो 800 * केते ना 100 बाय 25
जाना ना जो दीटा जाना ना एक्स आउ वाई प्रमाण ना पड़ो तो कौन हो नर्माल इक्वेसन आसो ना पर तुम नहींपर जो तुम एक्स आउ वाई दुटा फर्माट नहीं मैंने आगे कौन से लेंथी हे से तुमको इजी फर्माटा ही कहीदेली ओके तुम आज मुझे क्वेश्चन देखिए कॉस्ट ऑफ 11 पेंसिल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंट व्हाटएवर मे बी द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल तुम इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଉଛି ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରିବ ସେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଦେଖ ଦ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ 11 ପେନ୍ସିଲର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କହିଛି ଦେଖ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର 10 ପେନ୍ସିଲର କ'ଣ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ବୁଝିହେଲା ତ ମନେକର ମୁଁ ନେବି ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଲର ଆମର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ନେବି ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଲର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ନେବି ମନେକର 1 rupees ଓକେ ତାହେଲେ 11 ପେନ୍ସିଲର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେବ 11 rupees ତାହେଲେ 10 ପେନ୍ସିଲର ଆମର କ'ଣ 10 ପେନ୍ସିଲର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେବ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଆମର କ'ଣ 1 rupees ତାହେଲେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଯଦି ତାଙ୍କର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ତାଙ୍କର କେତେ ହେବ ନା ଆମର ସେଇ 11 rupees ହେବ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟା 11 rupees ହେବ କି ନାହିଁ ବିକଜ୍ ସେଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କହିଛି ତାହେଲେ 10 ପେନ୍ସିଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ସେଲିଂ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 10 ଆଉ ଆମର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 1 ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ହେବ 11 - 10 ଯେ କେତେ 1 ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା 1 ତ 10 ପେନ୍ସିଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି ତାର କେତେ ନା 1 ତ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଲସ୍ ଅର୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ମେ ବି ଦ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ 1 ପେନ୍ସିଲ୍ ତ ସେ କହିଛି 1 ପେନ୍ସିଲ୍ର କେତେ ତ ଯଦି ଆମର ଟୋଟାଲ 10 ପେନ୍ସିଲ୍ ପାଇଁ 1 ଆମର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଲ୍ ପାଇଁ କେତେ ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ବାହାର କରିଦେବ ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ 10 ପେନ୍ସିଲ୍ ହେଲା କେତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଦେଇଛି ସେ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ନା ସେ ଓଲଟା କରିଛି ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ସେ ତାର ଓଲଟା କରିଛି ସେ କହିଛି ଦ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ 11 ପେନ୍ସିଲ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏସ୍ପି ଅଫ୍ 10 ପେନ୍ସିଲ୍ ତ ସେ ନେଇଛି ସିପି ଅଫ୍ 1 ପେନ୍ସିଲ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ଏସ୍ 1 ସିପି ଅଫ୍ 10 ପେନ୍ସିଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାହାର କରିଦିଅ ଏଠି ମୁଁ ତୁମକୁ 11 ପେନ୍ସିଲ୍ର ବାହାର କରିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତୁମେ 10 ପେନ୍ସିଲ୍ର ବାହାର କରିଦିଅ 10 ପେନ୍ସିଲ୍ର କେତେ ହେବ 10 ରୁପିସ୍ ବୁଝିହେଲା ସେଠି ତୁମର 10 ରୁପିସ୍ ହେଲା ଦେନ୍ ଆମର ଏସ୍ପି କେତେ ହେବ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ 10 ରୁପିସ୍ ଆମର କେତେ ହେବ ଦେନ୍ ଏଠି 10 ପେନ୍ସିଲ୍ର ଏସ୍ପି ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେ ହେବ ଏସ୍ପି ଅଫ୍ 10 ପେନ୍ସିଲ୍ ହେଲା କେତେ 10 ରୁପିସ୍ ଦେନ୍ ଏସ୍ପି ଅଫ୍ 11 ପେନ୍ସିଲ୍ କେତେ ହେବ 11 ରୁପିସ୍ ତାହେଲେ ଆମର 1 ରହିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠି ବାହାର କରିଥିଲି ଦେଖ ଆମର 1 ଟି ମୁଁ ବାହାର କରିଥିଲି ଏଇ ଏଇ ପର୍ସେଣ୍ଟରେ 1 ଟି ବାହାର କରିଥିଲି ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଫିଟ୍ର ପର୍ସେଣ୍ଟ କେତେ ହେବ 1/ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର କେତେ 10 10 × 100 କଟିଗଲା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10% ବୁଝିପାରିଲନି ଦେଖ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହୋଇଛି 11 ପେନ୍ସିଲ୍ର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତିକି ହେବ 10 ପେନ୍ସିଲ୍ର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ସେତିକି ହେବ ଓକେ ଆଗ କି ବୁଝ ଯେ 11 ପ୍ରାଇସ୍ର ଆମର ପେନ୍ସିଲ୍ର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସେତିକି ହେବ 10 ପେନ୍ସିଲ୍ର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ସେତିକି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମନେକର ନିଅ ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଲ୍ର ଦାମ୍ ହେଉଛି 1 rupees ଓକେ ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି 11 ପେନ୍ସିଲ୍ର ଦାମ୍ କେତେ ହେବ 11 rupees ହେବ ଅବିୟସ୍ଲି ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର 10 ପେନ୍ସିଲ୍ର ଆମର କ'ଣ ହେବ 10 ପେନ୍ସିଲ୍ର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ 11 rupees ହେବ ବୁଝିହେଲା ଯଦି 10 ପେନ୍ସିଲ୍ର ଆମର କ'ଣ 10 ପେନ୍ସିଲ୍ର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି 11 ହେଲା ଏବଂ ଏଠି ଆମର 11 କ'ଣ 11 ପେନ୍ସିଲ୍ର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ 11 ହେଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଲ୍ର ଏଠି ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ପାଇଯିବ ତୁମେମାନେ 1 ନେଇଛ ଦେନ୍ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା 11 ତାହେଲେ ଆମକୁ 10 ପେନ୍ସିଲ୍ର ଯେହେତୁ ବାହାରିଲା ଆମର କ'ଣ 10 ପେନ୍ସିଲ୍ର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ବାହାରିଛି କେତେ 11 ବାହାରିଛି ତାପରେ ଆମେ ସେଇ 10 ପେନ୍ସିଲ୍ର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ପାଇପାରିବା ଏଇ ଅନୁସାରେ 10 ଆମର 11 ଆମର ପେନ୍ସିଲ୍ ପାଇଁ 11 rupees ହେଉଛି 10 ପେନ୍ସିଲ୍ ପାଇଁ କେତେ 10 rupees ଇଏ ଆମର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 10 ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 11 ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା 1 ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି 1/ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 10 × 100 = 10% ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ଓକେ
তারপরে সেন্টি দেইছি আপনাদের क्वेश्चन দেখো এ পারসন সোল্ড অন আর্টিকেল এট এ প্রফিট অফ 12% ইফ হি হ্যাড সোল্ড ইট আর এস ফর মোর হি উড হ্যাভ গেইন 20% দেন হোয়াট ইজ দ্য কস্ট প্রাইস এটা আমি কোন क्वेश्चन করিছিলি আমাদের ডাইনিং টেবিল সেট টাইপ আছে सेम क्वेश्चन टी ओके सो आई होप कि तुम्हारा कोई क्लास और लाइक हो जति भल लाइक हो निश्चित लाइक करबो उन किसी डाउट थे देन कमेंट बॉक्स रे कमेंट करबो नेक्स्ट क्लास कला बलको आमे फर्स्ट ऑफ ऑल से डाउट टे क्लियर करबा एवं फिर नेक्स्ट आगो को प्रोसीड करबा ओके नेक्स्ट क्लास आमे डिस्काउंट उपरे पढिबा सो आज मैं एते कि फर्स्ट ऑफ ऑल निजो वीडियो टी को तुम्हारा निजो निजो फ्रेंड्स संग सह शेयर कर दे जो समान मध्ये जानि पारिबे सो आज मैं एते कि विदाई मछु म आशीष धन्यवाद।